पिछले 4 साल में 5 जॉब चेंज कर चुका हूं, लेकिन जहां पर जॉब कर रहा हूं वहां पर भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सरोजनी से शादी करने में ही फायदा है। एक तो उसकी जॉब पक्की है और तो और तनख्वाह भी अच्छी है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी और तो और गवर्नमेंट की काफी सारी सुविधाएं भी। आप जो उसे बदतमीज कहते रहते हो ना, सरोजनी बिल्कुल वैसी नहीं है। जी मामी जी, कहाँ पे है तू? मामी जी स्कूल में ही हूँ। वो स्कूल का आज आखिरी दिन है ना, इसलिए देर हो गई है। अच्छा जल्दी आइयो, हाँ तुझसे कुछ बात करनी है। जी मामी जी, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं। साफ साफ बताओ कि क्या कहना चाहते हो, आखिर बात क्या है? मुझे तुम्हारे साथ दिल्ली घूमने में या इस पार्क में बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधा काम की बात करो। अरे काम की बात नहीं है, ये सारे काम से जरूरी बात है, हमारे जान से भी जरूरी बात है ये। तो कहो ना क्या कहना चाहते हो, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? मामी जी का फोन आ जाएगा, पता नहीं क्या कहूं। समझ में नहीं आ रहा हम कैसे कहें। आप तो जानती हैं हमें से कुछ कहना नहीं आता है। जितना हमने टीवी पे, फिल्मों में, सोशल साइट, दोस्तों में, दुनिया में देखा है या खुद से सीखा है, उसी के आधार पर हम कह रहे हैं। अरे दिल ने कहा कह डालो तो हम कह रहे हैं, नहीं कहेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो कहो ना, मुझे लेट हो रहा है सुमेंद्र। वो हम कैसे बताऊं? I love you, teacher ji. ये सब क्या है सुमेंद्र? होश में तो हो? ये क्या बदतमीजी है? इस बात का तो पता नहीं कि हम होश में हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपके जादू ने हम पर ऐसा जादू कर दिया है कि हम खुद के काबू में ही नहीं है। आपने फोन पर झूठ क्यों बोला? अगर आपको हमारे आई लव यू बोलने पर इतनी तकलीफ है तो फिर आपने मयंक को सच सच क्यों नहीं बताया कि हम आपसे जबरदस्ती आई लव यू बोल रहे हैं? खैर छोड़, अब इस सच्चाई का खुलासा हम खुद ही करेंगे। सुमेंद्र, सुमेंद्र क्या कर रहे हो? मेरा फोन दो मुझे, मेरा फोन दो, तुम फोन फोन दो। सुमेंद्र मेरा फोन दो, तुम फोन फोन दो। किसे फोन लगाया तुमने? हमारा नंबर सेव कर लीजिए, अब हम फोन पे भी टच में रहेंगे। मुझे तुम्हारे साथ कोई टच वच में नहीं रहना। अरे देवता, चोटा नहीं रहना हमको तोरे घरे में। चल चल चल, भगवान तुमको कब्बो माफ नहीं करेगा। तुम्हारा पाप का गठड़ी बढ़ता जा रहा है। जब ऊपर जाओगे ना तो यमराज तुमको नरक के आंगन में सटासट कोड़े से पीटेगा। बड़ा दुख दिया है हमको तुमने। अब बंद करिए अपना गरुण पुरानी, समझ गए? रात से कुछ पेट में अन्न नहीं गया है और देखो जवान इनका कैसे फाए फाए चल रहा है पानी चक्की की तरह। ओ माता जी, संभालो अपने बुढ़ऊ को, धीरज खो रहे हैं ही। तुम तो स्कूल से बहुत पहले निकल गई थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी? अरे जवाब देना, तेरा होने वाला पति तुझसे कुछ पूछ रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रही? मामी जी वो मैं बोलो, जवाब दो। मामी जी वो मेरी एक सहेली मिल गई थी। कौन है तुम्हारी ये सहेली? तभी तुम्हें सड़क पे मिल जाती है, तभी तुम्हें उससे मिलने के लिए कॉफी शॉप में जाना पड़ता है। आखिर चक्कर क्या है ये? आज मैं तुम्हारी सहेली का नाम जान के रहूंगा। हाँ हाँ बता, क्या नाम है उसका? आज मुझे भी जाना तेरी सहेली का नाम। जवाब दो, बोलो। अरे बोल ना, तू छुपा रही है क्या? मामी जी वो भी बीएडी है, उसे ट्रेनिंग के लिए दूसरा स्कूल मिला था। बस हम दोनों बैठकर आगे की प्लानिंग ही कर रहे थे कि क्या करना है कैसे करना है।